इंसान जब फाड़ के बाहर में जाता है और वहाँ के बादशाह यानी अपने बाप को मारकर वहाँ का बादशाह बन जाता है, कभी नजूमी के बताने पर जंजाल और ताकतवर बनने के लिए सच्चाई की भी ताकत हासिल करने के लिए दुर्गापुर की राजकुमारी के साथ शादी करने के उद्देश्य राजकुमारी सुनैना की मर्जी जानने के लिए सुनैना के पास जाता है। तभी सुनैना उससे पूछती है, कौन है आप और बिना मर्जी के अंदर कैसे आए। तभी सुनैना सैनिकों को बुलाती है। तभी जंजाल कहता है, आवाज देने से कुछ नहीं होगा राजकुमारी, जंजाल के सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और जंजाल कहता है, मैंने फैसला किया है कि तुम मुझसे शादी करोगी। तभी सुनैना कहती है, तुम होश में हो ना, हम तुमसे शादी करेंगे। हमारी शादी जनकपुर के राजकुमार विशाल के साथ तय हुई है। तभी जंजाल कहता है, कभी नहीं, जंजाल जो सोचता है वही होता है, तुम शादी करोगी लेकिन मुझसे। तभी राजकुमारी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये नामुमकिन है। तभी जंजाल कहता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जंजाल को अच्छी तरह आता है और कहता है, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती से नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुम्हारी मर्जी से। तभी सुनैना कहती है, जीते जी हम अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करेंगे। तभी जंजाल कहता है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और कहता है, शादी तो तुम करोगे वो भी कल। तभी वहाँ सुनैना का छोटा भाई आता है और कहता है, कौन हो तुम। तभी जंजाल कहता है, यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन हो तुम। तभी सुनैना का छोटा भाई बताता है, मेरा नाम सूरज है, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। तभी जंजाल कहता है, तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारी बहन हमसे शादी करने जा रही है। तभी सुनैना कहती है, नहीं सूरज, ये शैतान झूठ बोल रहा है। तभी सूरज जंजाल पर तलवार से वार कर देता है, लेकिन जंजाल पर लगे तलवार का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। तभी जंजाल सूरज पर अपनी जादू शक्तियों से वार करता है और उसे पत्थर के रूप में बदल देता है। तभी सुनैना सूरज के पास पहुँचती है तो देखती है कि सूरज पूरी तरह से पत्थर बन चुके होते हैं। तभी जंजाल कहता है, मैंने इसे पत्थर बना दिया। और कहता है, तुम्हारी शादी होगी मुझसे ही होगी। और जंजाल सुनैना को 7 दिन का मोहलत देता है और कहता है, अगर तुम 7 दिन में राजी नहीं हुई तो तुम्हारे भाई को मैं हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वही दूसरी तरफ दुर्गापुर की महारानी भी वहाँ आती है और वो अपने बेटे सूरज को पत्थर बना देखकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है, क्या आप लोग जो भी चुपचाप खड़े रहोगे, क्या मेरा बेटा जो भी पत्थर बना रहेगा। और महाराज से कहती है, जाइए महाराज उस जंजाल को पकड़ कर लाइए और उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहिए कि वो मेरे बेटे पर किया हुआ जादू वापस ले ले और मेरे सूरज को वापस जिंदा कर दे। तभी वहाँ विशाल आते हैं और कहते हैं, जंजाल क्या जंजाल यहाँ आया था, आप लोग चुपचाप क्यों हैं। तभी सुनैना से पूछते हैं, बात क्या है और सूरज कहाँ है। तभी विशाल वहाँ सूरज का पुतला देखता है और विशाल के पूछने पर सुनैना बताती है कि यह सब कुछ जफार के बादशाह जंजाल ने किया है। तभी विशाल जंजाल से युद्ध करने के लिए जा रहा होता है। तभी सुनैना उसे रोक देती है और कहती है, तुम जंजाल को नहीं मारोगे, यदि तुम जंजाल को मार दोगे तो सूरज हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा और वह कभी इंसान नहीं बन पाएगा। तभी दुर्गापुर के राजगुरु कहते हैं, सूरज को फिर से जीवित करने के लिए हम में से किसी न किसी को जंजाल की जादू दुनिया में जाना होगा। तभी विशाल जंजाल की काली दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी राजगुरु राजकुमार विशाल को रोकते हैं और कहते हैं, जंजाल के पास उसकी शक्तियों के अतिरिक्त शैतानी ताकत है, उसे हम तुम क्या हम में से कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और कहते हैं, इस प्रकृति ने जंजाल को शैतानी ताकत दी है और इसी प्रकृति ने उसकी बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई की ताकत बनकर एक मानव के रूप में हमारे सामने आएगा। एक वही है जो जंजाल की शैतानी ताकत को खत्म कर सकता है। तभी महाराज पूछते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं राजगुरु। तभी राजगुरु बताते हैं, सजादे यमन हाथिम। वही दूसरी तरफ यमन में फकीर बाबा पूछते हैं कि दुल्हन तैयार हुई है या नहीं। उसके बाद सजादे अपने शादी की अगली रस्म को पूरा करते हैं, जिसमें वे लोगों को कपड़े और दान और साथ ही कुछ सामान भी दे रहे होते हैं, जहाँ पर राजकुमार विशाल भी होते हैं। तभी राजकुमार विशाल को देखकर हाथिम कहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तभी विशाल कहते हैं, मैं दान लेने नहीं आया हूँ, हाथिम का नाम सुनकर यहाँ आया हूँ, सुना है कि हाथिम के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तभी हाथिम कहते हैं, दिल से भी हम यही चाहते हैं। पर पूछते हैं, आप है कौन। तभी विशाल बताते हैं,
मैं जनकपुर नगरी का राजकुमार विशाल हूँ। तभी हाथी पूछते हैं, पर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तभी विशाल कहते हैं, मेरी जरूरत मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत मुझसे कोई छीनना चाहता है। और कहते हैं, हाथिम सिर्फ तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो, हाथिम तुम मुझसे बचा लो, मेरी मोहब्बत के साथ साथ एक बहन की मोहब्बत भी आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। और बताते हैं, हाथिम सुनैना के भाई को जंजाल ने पत्थर बना दिया है। तभी काफी समय बाद विशाल कहते हैं, मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हो, आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। लेकिन हाथिम अपने फर्ज से पीछे हटने वाले थे नहीं, और वे विशाल के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी शादी वहीं रोक देते हैं। उसके बाद खालिस्तान जाते हैं। तभी राजगुरु हाथिम को बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब खालिस्तान अच्छाइयों की ताकत पर बनाया गया था, तब हमारे यहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी, और वो भविष्यवाणी हाथिम को सुनाया जाता है। समय आएगा जब बुराई की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि शैतान अच्छाइयों की ताकत को हासिल करके सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। तभी राजगुरु कहते हैं, अब लगता है वो वक्त आ गया, दुर्गापुर जैसा भलाई न्याय और अच्छाई का राज पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। और बताते हैं, जफार का बादशाह जंजाल वहाँ की राजकुमारी के साथ शादी करके अपनी बुराई की ताकत को अच्छाई की ताकत में जोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनना चाहता है। अगर जंजाल ने राजकुमारी सुनैना के साथ शादी कर ली, तो वह अच्छाई की ताकत को अपने काबू में लेकर वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और तब जंजाल की जुर्मी हुकूमत को रोकने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। और राजगुरु कहते हैं, हमें जंजाल को रोकना होगा। तभी हाथिम कहते हैं, कैसे? तभी वह करिश्माई आवाज आती है कि दुनिया के सात कोनों में सात ऐसे सवाल छुपे हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, और वह सात सवाल ही उस शैतानी ताकत का राज है। और आवाज आती है, अगर उस शैतानी ताकत को खत्म करना है तो एक एक करके उन सातों सवालों का जवाब ढूंढना होगा। हर सवाल का जवाब मिलने पर अच्छाई की ताकत एक कदम आगे बढ़ेगी और बुराई की ताकत एक कदम पीछे बढ़ेगी। और राजगुरु बताते हैं, हर सवाल का जवाब मिलने पर राजकुमार सूरज पर किया गया जादू धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, और सातों सवालों का जवाब मिलने पर बुराई की ताकत को तोड़ना आसान हो जाएगा। और हाथिम को बताते हैं कि ये रास्ता मुश्किल भी है और खतरनाक भी, लेकिन हाथिम दुनिया को बचाने के लिए और हर खतरों से और हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार थे। तभी हाथिम पहला सवाल पूछते हैं, जो कि आवाज आती है, जो कि पहला सवाल होता है, एक बार देखा है बार बार देखने की हवस है। तभी हाथिम दूसरा सवाल पूछते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि पहले सवाल के जवाब में ही तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब छिपा मिलेगा। और उसके बाद हाथिम को वह चमत्कारी तलवार देते हैं जो हजारों सालों से उनके पास था। वह तलवार आज हाथिम को सौंपा जा रहा था और कहते हैं, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसके बाद हाथिम अपने सफर पर निकलने से पहले जैस्मिन से मिलते हैं, जहाँ पर होबो भी होता है। तभी जैस्मिन हाथिम को होबो को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। तभी होबो कहता है, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। तभी हाथिम कहते हैं, वैसे भी इस जानवर के साथ मैं भी नहीं जाना चाहता। तभी होबो कहता है, जानवर जानवर कहते हो, मुझे हजारों सालों का तजुर्बा है, काट के फेंक दूंगा। लेकिन जैस्मिन के कहने पर होबो हाथिम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हाथिम होबो के साथ अपने सात सवालों के सफर के लिए निकल जाते हैं। तभी हाथिम और होबो रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी होबो कहता है, हाथिम सवाल का पता नहीं और जवाब ढूंढने निकल गए, पता नहीं किस पागल के साथ जैस्मिन ने मुझे भेज दिया। और होबो कहते हैं, वो भी एक सवाल नहीं सात सात सवाल। और होबो कहता है, हाथिम अभी भी वक्त है, लौट चलते हैं, वो सुनैना किसी और को भेज देगी सात सवालों को ढूंढने के लिए। लेकिन हाथिम अपने वादे से पीछे हटने वाले थे नहीं। वह दूसरी तरफ नजूमी सारी बातें जंजाल को जाकर बताता है, और बताता है कि हाथिम इस वक्त जादुई खंडहर की ओर बढ़ रहा है। वह दूसरी तरफ हाथिम उस जादुई खंडहर तक पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां उन्हें किसी घोड़े के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वह दूसरी तरफ जंजाल कहता है, अब पता चलेगा हाथिम को हमारे जादुई ताकत का। वह दूसरी तरफ अचानक हाथिम पर हमला होता है, और वह घुड़सवार हाथिम पर हमला करके वहाँ से गायब हो जाता है, और वह कई बार हाथिम पर हमला करके वहाँ से गायब हो जाता था। तभी अचानक हाथिम पर हमले की वजह से हाथिम जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वह दोबारा हाथिम पर हमला करने वाला होता है कि अचानक हाथिम को होश आ जाता है, और हाथिम उठते हैं और अपने उस चमत्कारी तलवार से जमीन पर वार करते हैं।
जिससे निकली शक्तियों और ताकत की वजह से वे सभी शैतान खत्म हो जाते हैं। तभी उस तलवार के नीचे की जमीन से कोई ताकत निकलती है और वह पास के तालाब में जाकर प्रकट होती है। तभी हासिम और होबो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है आप। तभी वह बताता है, मैं बदनसीब इंसान हूँ, मुझे शैतानी जादूगर जलजान ने अपने जादू में कैद कर दिया था। और कहता है, तुमने मुझे आकर आजाद करवा दिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। तभी हाकिम कहते हैं, एक दूसरे की मदद करना इंसानियत का फर्ज होता है, एहसान नहीं। तभी वह कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है तुम बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हो। और उसके पूछने पर होबो बताता है कि ये यमन के शहजादे हाकिम हैं। और हाकिम कहते हैं, मैं 7 सवालों का जवाब पाने के लिए निकला हूँ ताकि राजकुमारी सुनैना के छोटे भाई की जिंदगी बचा सकूँ। तभी उनके पूछने पर हाकिम उसे पहला सवाल बताते हैं कि एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। और हाकिम कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी वह हाकिम की मदद करता है और हाकिम को एक नक्शा देता है और कहता है, यह नक्शा जादुई नक्शा है। और बताते हैं कि वह जो समुन्द्र से घिरा जो टापू है वह सुल्तान अजराफ का टापू है। और कहते हैं, तुम्हें उस समुद्र को दिन में ही पार करना होगा क्योंकि सूर्य डूबने पर वह समुद्र आग का समुद्र बन जाता है। वही दूसरी तरफ जंजाल सोच रहा होता है कि आखिर हाथिम मेरे खंडहर से बच कैसे निकला। तभी नजूमी कहता है, तो क्या होगा जंजाल, लेकिन हाथिम बचकर जाएगा कहाँ। वह असलाफ के टापू की ओर निकला है और कहता है कि वह असलाफ तो आपका गुलाम है और वह वहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। वही दूसरी तरफ समुन्दर से घिरे असलाफ में जश्न हो रहा होता है। तभी वह जंजाल आता है और अजलाफ कहता है, मेरे आका जंजाल हुक्म कीजिए। तभी जंजाल कहता है, तुम्हारे रियायत की ओर कोई 2 आदमी आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें खत्म कर देना होगा। तभी अजलाफ कहता है, जो हुक्म मेरे बादशाह। वही दूसरी तरफ उसी रात उस मुल्क अजलाफ के समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। वही दूसरी तरफ से दोनों मुल्क अजलाफ के समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी होबो कहता है, हाथिम ये तो समुन्दर आग का समुन्दर है। तभी हाथिम कश्ती बनाने के लिए कहते हैं। तभी होबो कहते हैं, कश्ती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इस आग के समुन्दर में कश्ती लेकर उतरोगे तो कश्ती के साथ हम भी राख हो जाएंगे। तभी हाथिम कहते हैं, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, रात को हम कश्ती बनाएंगे और सुबह होते ही हम अजलाफ की ओर निकल जाएंगे। उसके बाद हाथिम रात को कश्ती बनाते हैं। तभी होबो कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, यहाँ हर पल खतरा है, ये आग का समुंदर। तभी हाथिम कहते हैं, सुबह होते ही ये पानी का समुंदर बन जाएगा। तभी होबो कहते हैं, जब शाम को सूरज ढलेगा तो ये फिर से आग का समुंदर बन जाएगा। हाथिम कहते हैं, तब तक हम इस पार जा चुके होंगे। तभी होबो कहता है, अगर हम उस पार नहीं जा पाए तो। तभी होबो जैसमिन को वहाँ बुलाता है और हाथिम की शिकायत करता है और हाथिम के साथ समुंदर के पार जाने से मना करता है। तभी जैसमिन के समझाने पर होबो हाथिम की मदद करने के लिए तैयार होता है और उसके बाद जैसमिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वे कश्ती बनाते हैं। तभी सुबह होता है और वे दोनों कश्ती पर बैठकर समुंदर के रास्ते अजराफ मुल्क की ओर निकल पड़ते हैं। तभी होबो कहता है, एक बात याद रखा, अगर हम सूर्य ढलने से पहले उस पार नहीं पहुँचे तो अजलाफ महल में हम नहीं आपके भुने हुए तंदूरी पहुँचेंगे, हम तंदूरी पहुँचेंगे। वही दूसरी तरफ अजलाफ का बादशाह कहता है, हाथिम नहीं जानता कि उसका सफर कितना लंबा और मुश्किल है, मैं उसके सफर में मुश्किल और बढ़ा दूंगा। और वह तभी अपने समुद्री शैतान को बुलाता है और उसे हाथिम को रात होने तक उसी समुद्र में रोकने को कहता है। वही दूसरी तरफ हाथिम अपना सफर आधा से ज्यादा पूरा कर चुके होते हैं और उन्हें अचानक अजलाफ का महल भी दिखाई देने लगता है। तभी अचानक उनके सामने वह समुद्री शैतान आता है और वह हाथिम को आगे बढ़ने से रोकता है। तभी हाथिम का कश्ती पीछे जाने लगता है। तभी होबो कहता है, हाथिम हाथिम सूरज डूब रहा है। तभी अचानक सूरज डूब जाता है।